अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले सब भाई दुरूद पाक पढ़ लें। आज मैं शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ जी, सब भाइयों की आसानी के लिए। आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएं जी, ये इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको वहाँ पे काम आनी है। लिहाजा मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, इसको फॉलो करें और दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएँ, आपको ट्रैवलिंग में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी। ये देखें जी, ऐसे क्रॉसिंग होती है स्टेशन से कार लगा के। अभी मैं आपको इंशाल्लाह करके भी दिखाता हूँ और मैं आपको लेके जाता हूँ और कार्ड बनाने का तरीका सिखाता हूँ जी। ऐसे आपने कार्ड बनाना है जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएं, ज़रूरी नहीं है जापान में ही आप आएँ। तो अगर जापान में आएँगे तो सबसे पहले आपने किसी भी मुल्क जाना है तो कार्ड बनाना है अपना ट्रैवलिंग कार्ड, वो मैं आपको कार्ड बनाने का तरीका बताता हूँ जी। ये देखें जी, सबसे पहले ना आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है। ये ऊपर आप जाएंगे, ये देखें लिखा हुआ इंग्लिश, आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद जी यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता जी कार्ड बनाने का भी, बैलेंस चेक करने का भी, ठीक है ना जी। आपने कार्ड बनाने वाले पे क्लिक करना ना, इंग्लिश में होगा वो, आप पढ़ के आप कर सकते हो जी। इंग्लिश पर क्लिक करेंगे जी, वो फिर कहेगा जी इतनी अमाउंट इंटर करें। अब वो आप कार्ड अमाउंट इंटर करेंगे तो आपका कार्ड यहाँ से बन के इंशाल्लाह बाहर आ जाना है, ठीक हो गया जी। और वो कार्ड आप बस में भी यूज़ कर सकते हैं जी, ट्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा जी ट्रैवलिंग में। तो लिहाजा आप वो कार्ड बनाएं, दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क में जाएं जी, और किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होती जी। किसी मुसाफिर से आप पूछते हैं जी मैंने इधर जाना है मैंने उधर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भाई को कोई बात समझ नहीं आती, ये देखें जी बूथ बने होते हैं स्टेशन पे ना गाइडेंस के लिए, इन बूथ के ऑफिसर्स के पास आप जाएँ, इनसे पूछें। अगर आपको समझ नहीं आती आप बोलो लिख के दे दें, वो आपको लिख के देंगे। और आप बोलो टाइम भी ऊपर लिख के दे दें कि मेरी डिपार्चर कब है, ट्रेन का अगली ट्रेन का डिपार्चर कब है, कब मैंने ट्रेन रिसीव करनी है, ठीक है, ट्रेन कब अराइव करनी है स्टेशन पे, वो सारा आपको डिटेल लिख के देते हैं। आप उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आप इजीली कहीं पे भी सफ़र कर सकते हैं। और सबसे पहला काम होता है जो कार्ड बनाना, काइंडली कार्ड लाजमी बनाइएगा। कार्ड बनाने के बाद ये हो जाता है कि आपको ट्रैवलिंग में मुश्किल नहीं होती। जब आपका बैलेंस ख़त्म हो जाए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इंग्लिश किसी मशीन पर जाएँ आप, इंग्लिश का ऑप्शन करें, कार्ड रखें और आप इंशाल्लाह अपना बैलेंस खुद ही चार्ज करके ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं अब आपको, मेरा ये पॉकेट में कार्ड है जी, वॉलेट में, मैं आपको दिखाता हूँ जी कार्ड लगा के। ये देखें जी मैंने कार्ड लगाया, बैलेंस भी मेरा मुझे पता चल गया। बैलेंस चेक करके जी मैं अब जा रहा हूँ जी ट्रक नंबर 3 की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी इस इंफॉर्मेशन से आप इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएँगे और ये आपके काम आएगी। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो भाइयों के साथ शेयर करें। और कुछ भाई मैंने वीडियो बनाई होती है उन्हीं के क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, तो वो भाई दोबारा मुझसे वही सवाल पूछते हैं, लिहाजा वीडियो पूरी देखा करें ताकि फिर अगर ज़रूरी हो तो वो क्वेश्चन करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।